हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल। अक्सर बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर, अगर हम आपका डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल कोर्स पैक परचेस करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा। तो लेट अस सी व्हाट यू विल गेट इफ़ यू सब्सक्राइब डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल कोर्स पैक फ्रॉम mtlivecea.com। तो व्हाट यू विल गेट इज फर्स्ट फोर वॉल्यूम्स, देन सेपरेटली डिज़ाइन amendment material, then separately designed power pack revision material, then you will get separate material on recent case studies। हाँ, इसके अलावा आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल उठा होगा, सर MCQ का क्या करेंगे। तो MCQ के बारे में मैं आपको बहुत सरप्राइजिंग बात बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ दिस सेशन। लेट अस लुक एट नाउ what is these four volumes I have designed. In these four volumes I have covered 700 plus solved practicals. कुछ लोग नंबर देख के हैरान हो रहे हैं, सर 700 प्लस सॉल्व प्रैक्टिकल्स, इतने प्रैक्टिकल्स की क्या जरूरत है। तो इनकम टैक्स इज अ कंडीशनल लॉ, और जब कंडीशनल लॉ रहता है तो अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसका आंसर बदल जाता है। तो मैंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स तैयार किए हैं जिससे आपको सही ढंग से कंडीशनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग मिले, इसलिए ये स्पेसिफिकली 700 प्लस प्रैक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ केस स्टडीज इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। केस स्टडीज़ की क्यों ज़रूरत है, तो आप सीए फाइनल में एज कम्पेयर टू आईपीसी में आपको कंप्यूटेशन पे ज़्यादा जोर देते थे, कंप्यूटेशनल स्किल आपकी चेक करते थे। अब फाइनल में जब आएंगे तो आपको एनालिटिकल स्किल के ऊपर वो टेस्टिंग करेंगे, और वो टेस्टिंग करने के लिए आपको केस स्टडी के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने प्लेंटी ऑफ केस स्टडीज इस मॉड्यूल में रखे हैं, बट दे आर कैप्ट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, यानी एग्जाम में कैसे पूछेंगे और आप किस तरह उसका आंसर लिखेंगे। इसके अलावा मैंने सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस को लेकर प्रैक्टिकल्स ड्राफ्ट किए हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखें या कोई भी मटेरियल देखें, तो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, और कुछ सर्कुलर्स कुछ नोटिफिकेशन डेढ़ पन्ने के रहते हैं, दो पन्ने के रहते हैं। अब बच्चा डेढ़ पन्ना दो पन्ना देख के तनाव में आ जाता है कि कैसे इसको हल करें, मैं उसको पढ़ूँ तो पढ़ूँ लेकिन पूछेंगे क्या इसमें से, अगर पूछ लिया इस सर्कुलर में से तो मैं लिखूँगा क्या। इस तनाव को दूर करने के लिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट सर्कुलर से नोटिफिकेशन है उसको लेकर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं, और बच्चों को कहीं कहीं फ़ायदा भी हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, नवंबर 2017 का पेपर था, इन 30 नवंबर 2017 इंस्टीट्यूट आस्ट वन क्वेश्चन दैट समबडी हैड परचेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिस्कस TDS ऑब्लिगेशन ऑफ दैट पर्सन इफ एनी, और चार मार्क का सवाल था इंस्टीट्यूट का नवंबर 17 में। अब ये सवाल उन्होंने नोटिफिकेशन 12 2012, नोटिफिकेशन नंबर 12 2012, उसके आधार पे ये सवाल इंस्टीट्यूट ने आपको टेस्ट किया था। अब आप मेरी नवंबर 17 की वॉल्यूम्स देखें, फोर वॉल्यूम्स, तो उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली ड्राफ्ट किया था 2013 में जब बच्चों को पढ़ाया था तब कि, और मुझे क्वेश्चन में भी याद है, उस क्वेश्चन में लिखा था ट्रिट लिमिटेड हैड परचेस सॉफ्टवेयर फ्रॉम गजानन एजेंसी हैड परचेस फ्रॉम दिस, ऐसा मैंने कुछ लंबा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था, और मैंने सारा नोटिफिकेशन 2012 डिटेल में एक्सप्लेन किया था बच्चों को, और उसका आंसर भी लिखा था, और इंस्टीट्यूट ने 2017 में वो सवाल टेस्ट किया, आप समझो। तो ऐसे कुछ नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो बहुत अहम है एग्जाम को लेकर, उसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड परफेक्ट चार्ट्स, लेकिन ध्यान से देखना, आई हैव रिटन फॉर क्रिटिकल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने परफेक्ट चार्ट, द वर्ड आई हैव यूज्ड इज परफेक्ट चार्ट, ऐसा तो जो मुझे जानते हैं नज़दीक से फेस टू फेस वो लोगों को मालूम है कि मुझे चार्ट से सख्त नफरत है, लेकिन अब सीए एग्ज़ाम क्लियर करनी है और इतना वास्ट सिलेबस है तो ज़रूरी है कि आपके पास रिवीजन करने के लिए कुछ चार्ट होने चाहिए, इसलिए मैंने कुछ चार्ट तैयार किए हैं, बट दे आर परफेक्ट चार्ट एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी चार्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ कंडीशनल लॉ है। तो अगर कहीं भी आप चार्ट में ठीक तरह से आपने तैयार नहीं किया चार्ट
और उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो एग्ज़ाम में भी आप सॉल्यूशन गलत करके आएंगे। तो ऐसे परफेक्ट चार्ट, आप परफेक्ट चार्ट कैसे बनाएंगे उसको लेकर एक मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखें, UMP अप्रोच करके एक वीडियो है, UMP अप्रोच, IMP नहीं, हाँ कुछ लोग UMP अप्रोच का एक वीडियो है, उस एक घंटे का वीडियो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको ज़रूर सुने, बहुत करीबन 5-7 हज़ार लोगों ने सुना है एंड एवरीबडी हैड गिवन ए लाइक टू दैट वीडियो, तो आप उसको ज़रूर सुने और आपको मालूम पड़ेगा कि आपको CA फाइनल की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसमें डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और ये परफेक्ट चार्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव कवर्ड सम चैप्टर्स एंड इफ यू सी आई हैव स्पेशली डिज़ाइन दोज चैप्टर्स, क्यों, क्योंकि उसका सेपरेटली एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस है, तो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो चैप्टर्स अलग से आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने सेपरेटली डिज़ाइन किए हैं। जैसे दो चैप्टर मैं आपको अभी बताऊं, एक है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, अब बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्मली कैपिटल गेन का हिस्सा है, तो आपको चैप्टर कैपिटल गेन पढ़ाते वक्त ही बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग की कुछ बातें बता दी जाती है, लेकिन बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रियल लाइफ में जैसे एमालगमेशन, डीमर्जर, ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, ये सारे टॉपिक जो हैं उसका रियल लाइफ में बहुत महत्व है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में उसका बहुत महत्व है। तो मैंने 70 पेजेस इसके अलग से मैंने ड्राफ्ट किए हैं ऑन बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग सेपरेटली, और उसमें एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी पूछते हैं तब 10 मार्क का टेस्ट करते हैं, 8 मार्क से 10 मार्क। जैसे आप देखें, मैं 18 का पेपर था तो उन्होंने होल्डिंग और सब्सिडी को लेकर 8 मार्क का टेस्ट किया था सवाल उन्होंने, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट 8 से 10 मार्क का जब उसका एग्जाम इंपॉर्टेंस है तो उसकी उस डेप्थ लेवल पे आपको पढ़ाना चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, यानी आप पिछले 10 पेपर देखें तो 4 से 5 बार उन्होंने बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग आपको टेस्ट किया है, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली डिज़ाइन किया और उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिकल्स लिखे हैं मैंने, वो आपको कहीं भी कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर बीइंग डिज़ाइन फॉर यू ओनली, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड योर CA फाइनल सिलेबस। तो एक ये 70 पेजेस के मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैंने एक चैप्टर डिज़ाइन किया है इस मॉड्यूल में, 4 मॉड्यूल में, एडवांस डेप्रिसिएशन, चैप्टर का नाम मैंने रखा है एडवांस लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐसे तो आपको जानकारी है सेक्शन 32, लेकिन एडवांस लेवल का डेप्रिसिएशन, और मैंने इसके 60 पन्ने लिखे हैं, 60 पेजेस, क्यों, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें, क्योंकि मैं इस फील्ड में करीबन 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसकी हिस्ट्री देखें 1998 से लेकर 2004 तक, वापस बोल रहा हूँ 1998 से लेकर 2004 तक इंस्टीट्यूट का एक भी पेपर नहीं होगा जिसके अंदर उन्होंने डेप्रिसिएशन टेस्ट ना किया हो, और मार्क मालूम है कितने, 8 मार्क 10 मार्क 8 मार्क 10 मार्क, इंडिपेंडेंट स्मॉल सम ऑन चैप्टर डेप्रिसिएशन, और वो भी एडवांस लेवल का, आप जो IPC में करते थे वैसा नहीं। इसलिए मैंने 60 पन्ने स्पेसिफिकली डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किए हैं, और मैं लास्ट अटेम्प्ट आपको बताऊं, जब उन्होंने हमला कर दिया था बच्चों के ऊपर इंस्टीट्यूट ने, नवंबर 13, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब चेक करना, नवंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 1A 10 मार्क का डेप्रिसिएशन, और वो भी उस एडवांस डेप्रिसिएशन में उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 सेक्शन 43(1) को फोकस किया था, और एक अकेला सम 10 मार्क का पहला क्वेश्चन, पेपर की शुरुआत डेप्रिसिएशन से। अब आप जरा सोचें, पहले ही बोल में अगर मान लो इंडिया की और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच चल रही है और इंडिया की बैटिंग चल रही है और पहला बॉल और पहले बॉल में विकेट निकल आए इंडिया की, कैसा सन्नाटा हो जाए, आप दिमाग हिल जाए आपका, उस तरह आप डायरेक्ट टैक्स का पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन और उसका पहला ही ऑप्शन, कोई ऑप्शन तो है नहीं, यानी 1A 10 मार्क का, और 10 मार्क आप हैंडल नहीं कर पाए। तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए हैं इस 4 वॉल्यूम में, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी ICAI स्टडी मटेरियल्स। तो यू गॉट द क्लैरिटी व्हाट दिस 4 वॉल्यूम्स कंटेन। लेट अस गो फर्दर, अमेंडमेंट मटेरियल क्या है और क्यों आपको अमेंडमेंट मटेरियल अलग से दिया जाता है। ऐसे तो आपको जो 4 वॉल्यूम दिए जाएंगे वो सारे अमेंडेड ही रहेंगे, आपकी एग्ज़ाम को लेकर जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा उस फाइनेंस एक्ट को ध्यान में रखते हुए ही मैंने वो वॉल्यूम डिज़ाइन किए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें पास पेपर्स, तो कभी कभी इंस्टीट्यूट अकेले अमेंडमेंट को 20 से 40 मार्क तक टेस्ट करती है,
और कहीं मैंने पेपर देखे हैं, मुझे याद है 2011 का पेपर, मई 2011, उसका आप क्वेश्चन पेपर देखें तो उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2009 के 49 मार्क्स के अमेंडमेंट टेस्ट किए थे। आई रिपीट, कितने मार्क्स थे? 49। तो कभी कभी जो पेपर सेट रहता है उसके दिमाग में रहता है कि मैं अमेंडमेंट पे जोड़ दूँ, तो ही मे गिव ए मोर वेटेज ऑन दिस अमेंडमेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं 2003 से, अगर आप देखेंगे बहुत अलग अलग पोर्टल्स अवेलेबल हैं, सीए क्लब, सीए कार्ड, तो 2003 से मैं सेपरेट अमेंडमेंट मटेरियल लिखता हूँ। और अमेंडमेंट सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखता हूँ, अमेंडमेंट मटेरियल किस तरह लिखता हूँ ज़रा ध्यान दें, व्हाट यू विल फाइंड, आपकी अमेंडमेंट मटेरियल में स्पेसिफिकली अमेंडमेंट को फोकस करते हुए प्रैक्टिकल लिखे जाएंगे। तो मुझे अमेंडमेंट मटेरियल ड्राफ्ट करने में मिनिमम 80 से 125 घंटे लगते हैं। और इस अमेंडमेंट मटेरियल जो आपको मिलेगा, वो अमेंडमेंट मटेरियल, उसके मैं लेक्चर्स कंडक्ट करता हूँ मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अमेंडमेंट डिस्कस करता हूँ सबके साथ। तो एक एक अमेंडमेंट को लेकर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट भी एक अमेंडमेंट की सप्लीमेंट्री निकालती है, तो इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में प्रैक्टिकल रहेंगे लेकिन उसका कवरेज 50% रहेगा। यानी आप जितने अमेंडमेंट होंगे उसमें 50% आस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट आपको सम देगी, प्रैक्टिकल देगी, लेकिन मेरे अमेंडमेंट मटेरियल आप देखेंगे तो आपको 95% प्रैक्टिकल मिलेंगे। यानी एक एक अमेंडमेंट प्रैक्टिकल एंगल से, क्योंकि ये सारा रियल लाइफ में यूज़ करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, तो एक एक अमेंडमेंट को ध्यान में लेते हुए मैंने प्रैक्टिकल लिखे हैं। फिर उसका फॉर्मेट क्या रहेगा अमेंडमेंट मटेरियल का, आपको एक प्रैक्टिकल मिलेगा, फिर एनालिसिस मिलेगा कि अमेंडमेंट क्यों आया। तो यू विल फाइंड दी एनालिसिस फोकसिंग दिस अमेंडमेंट, एंड देन बट ऑब्वियस आपको सवाल कैसे पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्या पूछेंगे, वो मैं ड्राफ्ट करके दूंगा। फिर लिखना कैसे है, क्योंकि जितना आप वाई अमेंडमेंट आपने सुन लिया, लेकिन सारा थोड़ी आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, कोई क्वेश्चन 6 मार्क का रहता है, कोई क्वेश्चन 8 मार्क का रहता है, तो क्या लिखना है, तो उस प्रैक्टिकल का आपको सॉल्यूशन भी उसी अमेंडमेंट में मिलेगा। तो जिन बच्चों को मान लो अगले दिन अमेंडमेंट को अकेले को फोकस करना है, तो दिस अमेंडमेंट मटेरियल विल बी वेरी मच यूजफुल। इट इज़ सेपरेटली अवेलेबल। करीबन मैं 145 से 170 पेजेस के अमेंडमेंट निकालता हूँ हर वक्त। तो ये आपको सेपरेट अमेंडमेंट मटेरियल मिलेगा। फिर आगे पावर पैक रिवीजन मटेरियल मिलेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं, सर ये क्या है? ये पावर पैक रिवीजन मटेरियल भी आपके 4 वॉल्यूम में से ही बनाया गया है। ध्यान सुने, ये कोई अलग मटेरियल नहीं है जिसको आपको अलग से पढ़ना है। लेकिन इस पावर पैक रिवीजन मटेरियल को मैंने पहले तो बहुत देता था, लेकिन अब मैंने कंसिस्टेंटली उसको देना शुरू किया है मई 17 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो आप देखेंगे बहुत सारे पोर्टल पे इसकी फाइल्स मिलेगी, मई 17, नवंबर 17, मई 18। तो ये पावर पैक रिवीजन मटेरियल क्यों अलग से दिया जाता है आपको, बनाया गया है उसी 4 वॉल्यूम से। उसके 2 वजह हैं। एक, जब भी आप रिवीजन करने बैठे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं, लुकिंग टू पास पेपर्स आई फील दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट, वो आपको रिवीजन करते वक्त छूट ना जाए। तो वन रीजन इज कि जब भी आपके अटेम्प्ट को लेकर, जैसे मान लो किसी का अटेम्प्ट है मई 19 में, ठीक है, तो आपको पावर पैक रिवीजन मटेरियल मिलेगा रफली फेब्रुआरी 19 में। मान लो किसी का अटेम्प्ट है नवंबर 19 में, तो उसके लिए पावर पैक रिवीजन मटेरियल आएगा 2 महीने पहले, अगस्त, 2-3 महीने पहले, सॉरी अक्टूबर, अगस्त 19 में, आई एम सॉरी, अगस्त 19 में आपको उसका पावर पैक रिवीजन मटेरियल मिल जाएगा। इस तरह अगर किसी का 2020 में अटेम्प्ट है, तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले आपको रिवीजन मटेरियल मिल जाएगा। इसी 4 वॉल्यूम से बनाया गया है, उसको आप खोलेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। लेकिन इसका फ्रेम करने का रीज़न क्या है, एक मेरी नज़र से जो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ कि पिछले क्या पेपर्स इंस्टीट्यूट के निकले, उसमें उन्होंने कौन से सेक्शन टेस्ट किए, प्लस करंट इकोनॉमिक सिनेरियो क्या चल रहा है कंट्री में, बराबर है, किसके ऊपर वो फोकस करेंगे, वो सारा ध्यान में रखते हुए मैं कुछ सेक्शंस चुन लेता हूँ कि ये बच्चों को अगले दिन ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज में बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं, दे आर नथिंग बट IMP फॉर योर अटेम्प्ट। लेकिन IMP वर्ड अभी आज लेक्चर में हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं कभी लिखता नहीं हुआ IMP क्वेश्चंस, मैं लिखता हूँ पावर पैक रिवीजन मटेरियल। यानी आपको समझ लेना है कि इट इज़ नथिंग बट व्हाट, IMP फॉर योर अटेम्प्ट। और बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है, अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज
मैं इसकी एक्सेल सीट भी देता हूँ, 45 मार्क्स से लेकर 55 मार्क्स इसी 250 पन्ने में से मिल जाते हैं बच्चों को, क्वेश्चन ही मिल जाएंगे आपको 45 मार्क्स से लेकर कितने मार्क्स तक बोल रहा हूँ मैं, 55 मार्क तक। तो एक रीजन है कि आईएमपी आपको आपके अटेम्प्ट के लिए क्या चाहिए, इसकी वजह से मैं ये पावर पैक रिवीजन मटेरियल निकालता हूँ। और दूसरा, कुछ बच्चे लास्ट दिन पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तय नहीं कर पाते कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। जो लोग तय नहीं कर पाते हैं उनके लिए रिवीजन मटेरियल बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उनको क्या करना है, रिवीजन मटेरियल 250 पन्ने उठाने, चैप्टर वन से शुरू होगा चैप्टर लास्ट तक, जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने उसमें कवर किया होगा, वो पन्ना घुमाता जाएगा तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसकी रिवीजन हो जाएगी, इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और एग्ज़ाम में जाके बैठ के लिख पाएगा। और मैंने ये तो बताया ही आपको कि 45 से 55 मार्क तक आप पास भी देख लें, मई 17, नवंबर 17, मई 18 आप कंपेयर भी कर सकते हैं, तो आपको इतना 40-50 मार्क एग्ज़ाम में मिल जाएंगे सीधा सीधा क्वेश्चन, तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट पावर पैक रिवीजन मटेरियल क्या रहेगा। इसके अलावा रिसेंट केस स्टडी का एक सेपरेट वॉल्यूम मिलेगा और उसके लेक्चर्स भी अलग से मिलेंगे आपको। अभी ये रिसेंट केस स्टडी का जो मटेरियल है और इंस्टीट्यूट की जो केस स्टडी दी जाती है उसमें अंतर क्या है, मेरे मटेरियल में और इंस्टीट्यूट की केस स्टडी में अंतर क्या है। तो जो इंस्टीट्यूट आपको केस स्टडीज देती हैं आपके मॉड्यूल में रहेंगे, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगी, वो पहले लिखेगी फैक्ट्स ऑफ द केस, डिटेल में लिखेगी, फिर लिखेगी एसेसिंग ऑफिसर का ऑब्जर्वेशन क्या था और एसेसिंग ऑफिसर ने क्या एडिशन किए, फिर मैटर गई कमिश्नर अपील के पास, कमिश्नर अपील ने क्या बताया, ये वो सही था या टैक्स पेयर सही था, फिर मैटर आई ट्रिब्यूनल में, फिर ट्रिब्यूनल के पैराग्राफ रहेंगे इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन और फिर इंस्टीट्यूट बताएगी कंक्लूजन। और आप देखेंगे तो करीबन ये केस स्टडीज ऑन एन एवरेज 1.5 पन्ने के रहेंगे और आपको एग्जाम में टेस्ट करते हैं सिर्फ 4 मार्क में, एक एक केस स्टडी 1.5 पन्ने। और अगर कहीं नसीब खराब है तो इंस्टीट्यूट ने कभी 3-3 पन्ने भी दिए हैं। तो मेरे और इंस्टीट्यूट के केस स्टडी मटेरियल में फ़र्क ये रहेगा कि हमारे केस स्टडीज जो रहेंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेंगे। और आपको उसका एग्जाम्पल देखना है, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था नवंबर 17 वाले को, 50 मार्क के केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने टेस्ट किए थे और मैंने अपना मॉड्यूल और अपने केस स्टडी मटेरियल और इंस्टीट्यूट के केस स्टडीज आप देखें तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर चल रहे थे और बच्चे हैरान हो गए। किसी को तो ऐसा लगा कि मेहुल सर हैड टेस्टेड और मेहुल सर ने ये पेपर सेट किया होगा। मैंने कोई पेपर सेट नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ आपको केस स्टडी किस क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेंगे उसके क्वेश्चन दिए थे और आपको पर्टिकुलरली क्या लिखना है 1.5 पन्ने में से वो आपको आंसर लिख के दिया था। तो स्टूडेंट्स वेर क्वाइट हैप्पी इन नवंबर 17। ऐसा ही मैं आपको बताऊं, अभी जो नवंबर 18 बच्चे अपियर हो रहे हैं, तो नवंबर 18 वाले बच्चे मैंने केस स्टडी का मई 18 में क्वेश्चन आंसर का एक अलग से सीट निकाला था। और आपकी RTP देखें, इंस्टीट्यूट की RTP नवंबर 18 की और मेरे मई 18 की केस स्टडी की क्वेश्चन आंसर देखें, और अभी आप RTP में देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे, सेम टू सेम, जो इंस्टीट्यूट ने नवंबर 18 RTP में कवर किए। तो मैं थोड़ा अलग अंदाज से आपको केस स्टडी मटेरियल दूंगा और वो आपको बहुत लास्ट मोमेंट पे काम आएगा, क्योंकि अलग से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और नॉर्मली एक केस स्टडी 4 मार्क का और ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 16 मार्क्स का एक अलग से क्वेश्चन रहता है केस स्टडी को लेकर, तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प ऑन लास्ट डे फॉर रिवीजन। अब क्वेश्चन आएगा, सर आपने 4 वॉल्यूम बता दिए, 700 प्रैक्टिकल बता दिए, तो आप जो कोर्स पढ़ाते हैं उसका सर ड्यूरेशन क्या रहेगा, मैं कितने घंटों में उसको ख़त्म कर पाऊँगा, अगर मान लो दिन चाहिए तो मैं कितने दिन में या कितने महीनों में उसको ख़त्म कर पाऊँगा, कितने लेक्चर्स रहेंगे, ये सारे आपके दिमाग में अब सवाल उठने लगे होंगे। तो लेट मी जस्ट गाइड यू ऑन दैट। अगर आवर्स के एंगल से देखें तो 200 घंटे का ये सिलेबस है CA फाइनल का, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। अगर लेक्चर्स के एंगल से देखें तो करीबन 3 घंटे का एक लेक्चर रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 65 लेक्चर्स में आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर मंथ के एंगल से देखें, हर रोज़ आप एक लेक्चर पढ़ते हैं सुनते हैं मेरा, तो आप 2 महीने और 3-4 दिन के अंदर इसको आप पूरा निपटा पाएंगे, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, इंक्लूडिंग रिवीजन मटेरियल, इंक्लूडिंग केस स्टडीज, यानी आपको कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, सारा आ गया 200 घंटे में।
So I think you are clear on duration of course part. हाँ सर, हम आपसे पढ़े तो नहीं हैं पहले कभी भी ऐसा, तो आप कोई भी फाइनल की फैकल्टी से पढ़ेंगे तो मोस्टली आपके लिए तो नई फैकल्टी रहेगी, तो सर आपकी मेथड क्या रहेगी, पढ़ाने की मेथड क्या है? तो ये मेथड मेरी कुछ अलग मेथड है, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस, लिसन केयरफुली, बहुत काम आएगी आपको जब आप मेरे कोर्स पैक को आगे सुनेंगे तब। एक तो मेरी पढ़ाने की जो मेथड है वो UMP अप्रोच है, वापिस आपके सिर पे हथौड़ा पड़ रहा है, सर UMP अप्रोच क्या है? IMP बहुत सुना है, UMP क्या है? लेट अस सी दैट व्हाट इज UMP, जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, उसके ऊपर आपको कमांड लेना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसके फाउंडेशन फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने 700 प्रैक्टिकल फ्रेम किए, क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल लॉ है। कौन सा लॉ है? कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ में तो एकाध कंडीशन इधर उधर हो जाए, आपका आंसर बिगड़ जाए, और आंसर बिगड़ जाए तो 6 महीने बिगड़ जाए सी इंस्टीट्यूट के एग्जाम को लेकर। इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस दिया है, उस तरह मैंने मटेरियल डिज़ाइन किया है। एम स्टैंड फॉर मेमोरी, अकेले अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं बनता है सी ए फाइनल के एग्ज़ाम को लेकर, आपको सारे प्रोविजंस मेमोराइज भी करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहीं कहीं कुछ कुछ जगह मैंने चार्ट्स दिए हैं, फिर कहीं मैंने आपको बताया ऊपर कुछ रिवीजन मटेरियल आपके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जिससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और लंबे अरसे तक आप उसको होल्ड कर पाएंगे उस कंटेंट को। लास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन। अकेले अंडरस्टैंडिंग से, अकेले मेमोरी से कुछ काम नहीं होगा, 3 घंटों में जाके लिखना पड़ेगा। अब नॉर्मली क्या बताया जाता है मालूम है? कोई भी आप फैकल्टी ले लो, कहीं भी, बचपन से लेकर आज तक कहीं भी आप जो भी पढ़े हैं, तो फैकल्टी यही बताती है, मैं जो बताऊँ उस तरह तुम प्रेजेंटेशन करो। याद रहे, प्रेजेंटेशन की 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, यू शुड नो वॉट टू राइट सो एज टू गेट गुड मार्क्स। आई रिपीट, एक, यू शुड नो वॉट टू राइट सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, एंड यू शुड ऑल्सो नो वॉट नॉट टू राइट। इसकी भी आपको सही समझ होनी चाहिए, क्या लिखना है वो तो ठीक है, वो तो सब बताएंगे, लेकिन क्या नहीं लिखना है वो लेक्चर जब सुनेंगे आप मेरा, तब मैं बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन में ये ज़रूर लिखें और ये कभी भी ना लिखें। तो वॉट नॉट टू राइट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल इन अ प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल को लेकर जब भी हम पढ़ेंगे, कुछ वीडियोज़ मेरे अवेलेबल हैं, जैसे आपको अगर कहीं मिल जाए तो आप ज़रा देखें, फाइनेंस एक्ट 2018, उसमें एक 35AD सेक्शन में अमेंडमेंट आया था, तो आपको 35AD का अमेंडमेंट, उसका एक वीडियो है कुछ 10-15 मिनट, उसको आप ज़रूर पढ़ें। आई हैव पॉइंटेड आउट इन दैट वीडियो प्रेजेंटेशन स्किल ऑल्सो, कि किस तरह प्रेजेंटेशन करना चाहिए और प्रेजेंटेशन की वजह से आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। नहीं, मैं देखता हूँ कभी कभी बच्चे आते हैं, सर देखो मेरा आंसर और उसका इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड आंसर एकदम मैच हो रही है, सर लेकिन मुझे 5 में से सिर्फ 2 मार्क दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यू लैक इन प्रेजेंटेशन। आंसर सिर्फ सही हो गया उससे काम नहीं बनेगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल क्या है। तो आप मेरे मॉड्यूल में भी देखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल को, और मैंने कुछ लेक्चर में बीच में बताते जाऊंगा कि इस तरह आप प्रेजेंटेशन करें, ये लिखें, ये कभी भी ना रखें। अब आगे चलते हैं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल मेथड्स में क्या आएगा? कोई भी चैप्टर शुरू होगा उसके पहले आपको EI वर्ड आएगा। EI जब भी मैं शुरू करूंगा तो स्क्रीन में मैं लिखूंगा राइट साइड में EI। EI मीन्स एग्जाम इम्पोर्टेंस। ये एग्जाम इम्पोर्टेंस मैं लिखूंगा, जैसे मान लें, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लें आपका TDS का टॉपिक मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो TDS टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताऊँगा एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस है इसका 6 से 8 मार्क तक। 6 से कितने मार्क? 8 मार्क, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके ध्यान में रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक को टेस्ट करती है इंस्टीट्यूट, तो उसका वेटेज क्या रहता है। फिर F आएगा, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, यानी पिछले 10 सालों को लेकर इंस्टीट्यूट ने इसको कितनी बार टेस्ट किया है, सॉरी पिछले 10 अटेम्प्ट को लेकर इंस्टीट्यूट ने उसको कितनी बार टेस्ट किया। जैसे मान लो TDS है, तो मैं लिखूंगा 6 to 7 times आउट ऑफ लास्ट 10 अटेम्प्ट। तो TDS बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते हैं तब 6 से 8 मार्क का पूछते हैं, और 10 पिछले पेपर देख लो उसमें से 6 या 7 बार उन्होंने
टीडीएस को फोकस किया है, तो इसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो हर एक चैप्टर की बिगिनिंग में स्टडी मेथड में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा जब आप असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स और रिवीजन पढ़ेंगे, तो ये अपील्स, असेसमेंट और रिवीजन प्रोसीजर जब पढ़ेंगे तो उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको लाइव केस स्टडी की मदद से। जो केस मैंने ट्रिब्यूनल तक लड़े, तो जो भी मैटर जो मैंने असेसिंग ऑफिसर के सामने, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में सीआईटी अपील के सामने या ट्रिब्यूनल तक जो केस मैंने लड़े हैं, उसमें से मैंने एक केस चुना है और आपको पूरी प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीडिंग यानी स्क्रूटिनी असेसमेंट प्रोसीडिंग, अपीलेट प्रोसीडिंग बिफोर कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग, ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोई थियरी नहीं है, वो रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल है, हम लोग लड़ते हैं केस सबके। तो वो सारी जो थियरी है मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको कोरिलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ लाइव केस स्टडी। उसकी आपको एक अलग से छोटी सी बुक मिलेगी, पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको, प्रिंट ले लेनी है आपके हाथ में, और उसको मैं पूरा प्रोसीडिंग जब पढ़ाऊंगा देन आई विल कोरिलेट दैट थियरी ऑफ असेसमेंट एंड अपील्स विथ व्हाट द स्क्रूटिनी असेसमेंट, कमिश्नर अपील प्रोसीडिंग्स एंड इनकम टैक्स अपीलेट प्रोसीडिंग। आई थिंक स्टडी मेथड्स यू आर क्लियर ऑन दैट पार्ट। इसके अलावा भूख रहती है बच्चों की और होनी चाहिए, इस उम्र में नॉलेज को लेकर आपकी भूख बढ़नी चाहिए। कोई मान लो कोई आपको 100 घंटे दे रहा है, नहीं नहीं मुझे और 20 घंटे सुनना है, कोई आपको 120 घंटे पढ़ा रहा है, उसको बोलो कि नहीं मुझे और 50 घंटे और सुनने हैं। इस उम्र में आपकी नॉलेज की भूख बढ़नी चाहिए। जितना आप इस उम्र में पढ़ लेंगे, जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे, जितना आप डिटेल में सीखेंगे, पूरी लाइफ आपकी उसके ऊपर जाने वाली है। जैसे इनकम टैक्स 200 घंटे आप पढ़ लें मेरे से, मैंने अभी आपको बताया, लाइव केस स्टडी में आपको देता हूँ, तो अगर आप इनकम टैक्स पढ़ लें तो कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सिर्फ इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, सिर्फ इनकम टैक्स की प्रैक्टिस, और उनका पूरा जीवन इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में, उन्होंने करोड़ों रुपये कमाए क्योंकि उतना उनका कमांड आ गया सब्जेक्ट के ऊपर। तो सिर्फ 200 घंटे हैं, उसको अगर आप डिटेल में सुन लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट कमांड ओवर द सब्जेक्ट कॉल्ड इनकम टैक्स, और पूरी लाइफ आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों की भूख को लेकर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी डिस्कस किया है इसी 200 घंटे में, लेट अस सी। एक है टैक्स प्लानिंग, और टैक्स प्लानिंग में क्या होगा, जब भी हम लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तब मेरी ऑफिस में कुछ टैक्स प्लानिंग के इश्यूज आएंगे और मुझे लगा, ज़रूरत लगी कि मैं आपसे शेयर करूं, तो मैं बीच बीच में उसको भी आपको शेयर करूंगा कुछ प्रोविजन को लेकर। जैसे कभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं तो समझ में आए, जैसे रिटर्न सबके तैयार हो रहे थे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और मैंने देखा कि मेरे एक क्लाइंट हैं, वो कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, और उनकी इनकम बन रही थी, मुझे पक्का फिगर याद है, 51,49,000, यानी उनकी इनकम बन रही है 50 लाख से ऊपर। अब आपको जानकारी है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जाएगी तो आपको टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, यानी सरचार्ज देना पड़ेगा आपको, टैक्स का 10% सरचार्ज सिर्फ इनकम 50 लाख से 1.5 लाख रुपए ऊपर है। और उसकी वजह से मैंने देखा कि उनको सरचार्ज की कुछ टैक्स लायबिलिटी 1,20,000, 1,30,000 देनी पड़ रही थी, मार्जिन रिलीफ को ध्यान में लेते हुए। तो रिटर्न आया मेरे पास अप्रूव करने के लिए स्टाफ लेकर, तो मैंने मना किया, मैंने बोला कि ये कौन से फर्म में पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न भी लाइए, और दूसरे पार्टनर कौन है उनके रिटर्न भी मेरे सामने रखिए। और जब उन्होंने रिटर्न रखे मेरे सामने तो मैंने देखा एक दो पार्टनर थे, दूसरे पार्टनर थे, उनकी इनकम थी करीबन 40 लाख रुपये, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं लेकिन 40 लाख के आजू बाजू। फिर मैंने इसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड मंगवाया कि भाई आपकी पार्टनरशिप डीड जरा मुझे अपने फाइल में पड़ी है उसको जरा दिखाइए, और पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ऐसा लिखा था इंटरेस्ट नॉट टू एक्सीड 12%। आपको जानकारी है कि पार्टनर को इंटरेस्ट कितना देते हैं, 12%, बट क्या लिखा था, नॉट एक्सीडिंग 12%, यानी दे सकते हैं पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल पे, लेकिन मैक्सिमम कितनी, 12%। तो फिर मैंने क्या प्लानिंग करवाया, आप समझ गए, मैंने इंटरेस्ट 10% करवा दिया, 12 की जगह 10, इसलिए क्या हुआ,
फर्म की इनकम थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन फर्म इज टैक्स एट 30%, दोनों पार्टनर 50 लाख और 40 लाख इनकम है, दे आर ऑल्सो टैक्स एट 30%, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्म की इनकम बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस कम होगा और पार्टनर की इनकम कम होगी, समझ में। तो मैंने 12% का जो इंटरेस्ट डेबिट किया था फर्म में, वो घटा के मैंने 10% करवा दिया। 10% करवाया तो जो ये इनकम है 51 वाली, वो 49.70 होगी और इनकी जो है कुछ इनकम 38.20 होगी। लेकिन फायदा क्या हो गया, जो पहले पार्टनर थे वो 50 लाख से कम आ गए, इसलिए जो 1,20,000 की जो उनकी सरचार्ज लगती थी वो कम हो गई। तो एक छोटा सा ध्यान रखने से यू कैन सेव ओवरऑल ग्रुप टैक्स ऑफ 1,20,000, यानी मेरी साल की उस ग्रुप की फी 1,00,000 रुपए है, तो उनके 1,20,000 ऐसे ही बच गए सिर्फ मेरे सामने बैठने से। तो ऐसे कुछ टैक्स प्लानिंग के नुस्खे जहां आपकी नजर पड़नी चाहिए, वंस यू नो द सब्जेक्ट, यू शुड हैव अ कमांड ओवर द सब्जेक्ट, तो वो ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसे टैक्स प्लानिंग में कुछ कुछ शेयर करते जाऊंगा ड्यूरिंग दिस 200 आवर्स। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको क्या मिलेगा, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की समझ। आप 22 सालों में देख रहे हैं 1996 से लेकर आज तक, ठीक है, इन 22 सालों में फॉरेन कोलैबोरेशन को लेकर इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे हैं 3 बार, ओनली 3 टाइम्स इन लास्ट 22 ईयर्स, यानी 44 अटेम्प्ट्स में उन्होंने 3 बार फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को लेकर आपको टेस्ट किया है 10 मार्क। और जिन जिन अटेम्प्ट में उन्होंने ये टेस्ट किया वो अटेम्प्ट हर वक्त भारी रहा, यानी बच्चे बाहर आएंगे इस टाइम डायरेक्ट टैक्स का पेपर बहुत भारी था। दो रीजन है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट नहीं समझने की, एक टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट पे पकड़ नहीं है, अगर उसकी आपकी समझ कम है तो आप फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन है उसको आप सही ढंग से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जब नॉन रेसिडेंट का टैक्सेशन हम पढ़ेंगे उसके एंड में ये क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा कि फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के टैक्स इशू को लेकर अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरह उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा गार, ऐसा तो अभी आपके मॉड्यूल में भी कवर किया गया है, कहाँ मॉड्यूल में कवर किया आप ढूंढ बताया तो मैं आपको सैल्यूट करूँ। इतना पता नहीं डीपेस्ट जगह उन्होंने कवर किया है गार, लेकिन गार को लेकर कुछ लोग उसको 15-20 मिनट ही बताते हैं, मैं आपको 2.5 से 3 घंटे, यानी आप 2 से 3 घंटे गार के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर करीबन हम 15 से 17 प्रैक्टिकल करेंगे, गार लाने की वजह क्या थी, ठीक है। तो वो हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए आप इंस्टीट्यूट को भी जस्टिफाई कर पाएं। हाँ, ये आपका बहुत तनाव रहता है, सर हम बड़ी बड़ी फैकल्टीज डायरेक्ट टैक्स की है और आप जैसे लोग क्या करते हैं, यानी बड़ी फैकल्टीज क्या करती है, सर छोटे छोटे चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मेरे लिए भी ये कंप्लेंट तो बहुत सारी थी, सर सैलरी नहीं पढ़ाते, हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाते, सेट ऑफ नहीं पढ़ाते, क्लबिंग नहीं पढ़ाते, सर हम करें कैसे, सर कहाँ से करें, उसको कैसे पढ़ें। अब उसकी चिंता छोड़ दें, मैंने इसी 4 वॉल्यूम में कवर कर लिया है सारे चैप्टर्स, ये छोटे छोटे सारे चैप्टर्स, मीन यानी आपका इंडेक्स बेसिक से फिर दूसरा चैप्टर सैलरी, तीसरा आपका हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट इनकम, सारा मैंने कवर किया, ठीक है। आप चिंता मत करें, उसके ऊपर मैं टेक्निकल डिस्कशन भी आपसे करूंगा, तो कुछ घंटे उसके ऊपर हम स्पेयर करेंगे इस चैप्टर को लेकर। तो कहाँ से पढ़ना है तो वो चिंता आपकी गई, वॉल्यूम में ही कवर है। और क्या ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू IPC फाइनल लेवल में क्या टेस्ट कर सकते हैं, उसका हम अलग से लेक्चर भी लेंगे एक एक चैप्टर को लेकर, और उसका हम टेक्निकल डिस्कशन भी करेंगे। तो ये भी आपका तनाव कम हो गया। इसके अलावा जो मैंने बताया था कुछ चैप्टर स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, जैसे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग सोसाइटीज, उसमें मेंटेनेंस लेते हैं मेंबर से और हाउसिंग सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, फिर क्लब देख ले आप, सोशल क्लब्स, तो ये सारे जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको लेकर पिछले 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं कि उनकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगी इनकम टैक्स के अंतर्गत, और कुछ लैंडमार्क डिसीजन आए हुए हैं। ये सबको ध्यान में रखते हुए मैंने 4 पन्ने, मेरे हिसाब से याद है मुझे 4 या 5 पन्ने, मैंने ये चैप्टर सेपरेट चैप्टर आपके लिए लिखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या टैक्स स्टेटमेंट रहेगी। इससे 2 फायदे होंगे, अगर एग्जाम में कोई रिसेंट केस स्टडी पूछते हैं तो आप लिख पाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी या कहीं आपके कोई क्लब में मेंबर हैं और उसको लेकर कोई टैक्सेशन इश्यू है
तो डेफिनेटली यू कैन एड्रेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दोज टैक्सेशन इश्यूज. इसके अलावा सब्सिडी इज नाउ टैक्सेबल. गवर्नमेंट से जो आपको सब्सिडी मिलती है या किसी और से भी सब्सिडी मिलती है तो नाउ इट इज टैक्सेबल. ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट आए थे 2015 में, इसलिए उस सब्सिडी की क्या असर पड़ेगी पूरे इनकम टैक्स एक्ट को लेकर, उसको लेकर मैंने 3 या 4 अलग से पन्ने लिखे हैं बिकॉज आई हैव बीन इन्वाइटेड टू स्पीक ऑन दीज अमेंडमेंट बाय मुझे भेजे याद है तब तक आई थिंक कहीदम ब्रांच ने मुझे बुलाया था. तो उस अमेंडमेंट में सब्सिडी को लेकर क्या रहेगी टैक्सेशन, क्योंकि वो कच्छ एरिया है तो वहाँ सब्सिडी गवर्नमेंट ज़्यादा देती है हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक इन पास्ट ऑल्सो. तो क्या रहेगी उसकी इफेक्ट, उसके सेपरेटली मैंने 3 पन्ने डिज़ाइन किए हैं सो दैट यू विल नॉट मिस आउट एनी टेक्निकल इशू इफ इंस्टीट्यूट विल टेस्ट ऑन दैट. ठीक है, तो ये रहा आपका एक्स्ट्रा क्या मिलेगा ये 200 घंटे के अंदर. बहुत इम्पॉर्टेंट सर, आपका कोर्स पैक लेने से क्या वैल्यू एडिशंस होंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल बी ग्रूम्ड लाइक ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स. 200 घंटे सुन लिए तो यू फील दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. तो एक फायदा क्या होगा कि आप इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, जैसे मैंने बताया मैंने आपको लाइव केस स्टडी के साथ में आपको सिखाऊंगा कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग क्या है, तो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग आप इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं. उस लेवल तक का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे असेसमेंट अपील्स के ऊपर. तो एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, मान लें अभी आज सारा प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन हो चुका है, ई प्रोसीडिंग हो चुका है, ई असेसमेंट, तो आपके ऑफिस में आप आपके बॉस को हेल्प कर सकते हैं पूरे प्रोसीडिंग को लेकर. अपार्ट फ्रॉम दैट जो असेसमेंट प्रोसीडिंग है जीएसटी में वो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है. तो एक बार आपने इनकम टैक्स प्रोसीडिंग की सही समझ ले ली और जीएसटी आप जो भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं जीएसटी प्रोसीडिंग, पहले आप क्या करें, पहले मेरी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग सारी सुन ले, असेसमेंट और अपील प्रोसीडिंग आप सुन ले, उसके बाद जीएसटी की प्रोसीडिंग आप उनसे सुनना जो भी फैकल्टी का लेक्चर आपने लेके रखा है, तो आपकी उसके ऊपर समझ बढ़ेगी क्योंकि आपको प्रोसीजर क्लैरिटी मिल जाएगी प्रोसीजर की, तो जीएसटी प्रोसीडिंग भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. दूसरा, आर्टिकल शीट में आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप है. तो होगा क्या, आप बॉस के चहेते हो जाएंगे क्योंकि आप काफ़ी सारे सवाल के जवाब दे पाएंगे. मुझे सुन के, मेरे लेक्चर सुन के, इतने प्रैक्टिकल लेवल के लेक्चर रहेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के इश्यूज हैं वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो बड़ा ऑब्वियस है, मान लो कोई टेक्निकल इश्यू आया तो बॉस आपकी हेल्प ज़्यादा लेगा, बॉस आपको बोलेगा ये नोटिफिकेशन निकाल के दे, ये सर्कुलर निकाल के दे, क्योंकि आपको सही ढंग की ये सब्जेक्ट को लेकर समझ बैठेगी. तो बॉस के चहेते हो जाएंगे. अब बॉस के चहेते होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ऑफिस में जो असेसमेंट की फाइल्स पड़ी हैं, अपील्स की फाइल पड़ी है, ट्रिब्यूनल की फाइल पड़ी है, उसके अंदर बॉस आपको इन्वॉल्व करेगा और वो सारी फाइलें आप जब मेरा कोर्स पढ़ लेंगे, आप ऑफिस में बैठे खोल के देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा. लेकिन चहेते होने से एक नुकसान भी है, फायदा भी है नुकसान भी है. पहले क्या बताओ फायदा कि नुकसान? हाँ फायदा ये है, चलो फायदे की बात करते हैं पहले. बॉस के चहेते होने से फायदा ये होगा कि आपको कहीं छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आप बॉस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ़ोन पे कि सर मैं अब 2 घंटे लेट आऊँगा या आज नहीं आऊँगा, तो आप आपकी जो इनकम टैक्स की कमांड है इसके इश्यूज आप जो सॉल्व करेंगे ऑफिस में, तो बॉस आपको छुट्टी आराम से दे देगा, आप मांग लो मिल जाएगी. लेकिन नुकसान क्या है मालूम है? मान लो एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल चले गए हैं, अब बॉस को ऑडिट की सीज़न है, सितंबर एंडिंग है और बॉस बहुत तनाव में है. अब जब तनाव में रहेंगे तो आप किसको याद करते हैं? जो चाहते हैं उनको ही. तो हो सकता है कि उस तनाव में बॉस आपको याद भी करे कि एक काम करना भी यार, 2 दिन आ जाना, तेरी एग्ज़ाम है मुझे मालूम है, लेकिन तेरे अलावा ये किसको ही हैंडल नहीं कर पाएगी क्लाइंट के इशू को, तो 2 दिन के लिए आ जा. तो आपको नुकसान भी हो सकता है, छुट्टी भी ज़्यादा मिल सकती है, साथ में लास्ट मोमेंट पे आपको बॉस को सपोर्ट भी करना पड़े. बट आई एम श्योर कि 200 घंटे सुनने के बाद यू विल बी एज गुड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन विल गेट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. मुझे याद है एक मेरे क्लाइंट की हॉस्पिटल का ओपनिंग था, तो मैं थोड़ा लेट था एज यूजुअल, तो सामने से कोई सी आया
अरे अरे मेहुल सर आप यहाँ कैसे हैं? मैं बोला ये हॉस्पिटल मुझे संभालनी है, मैं उनका सीए हूँ, लेकिन मुझे भी सवाल ये उठा कि तुम यहाँ कैसे है? तो मैंने उसको पूछा कि तुम यहाँ कैसे है, तो बोलता है मैं इनका रिलेटिव हूँ। बोला टो तो बात है, ठीक है। फिर मैंने उसको सवाल पूछा, भाई आजकल कर क्या रहे हो तुम? उसका जवाब क्या था मालूम है? सर एक बार आपसे पढ़ लिया फिर कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं जॉब करूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाऊँगा। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हूँ और सब मल्टीपल प्रैक्टिस करता हूँ, GST, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इनकम टैक्स खास करता हूँ। तो आई विल गारंटी यू कि ये 200 घंटे सुनने के बाद यू विल बी ईजिली सेल्फ एम्प्लॉय, ईजिली, एंड यू कैन डू टैक्स प्रैक्टिस वेरी कंफर्टेबली। अब आई बात जो मैंने पहले बताया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? 30 मार्क्स, कितना? 30। मैं आपको बताऊं, ये जो MCQ है उसको आप लाइटली ना लें, क्योंकि कंपलसरी में आएंगे। और जो बच्चे कंडीशनल लॉ को ठीक से नहीं समझेंगे वो जरूर MCQ में गलती करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने अब नया पैटर्न अनाउंस कर दिया है, कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा सीपीटी। तो इंस्टीट्यूट ने नया पैटर्न फाइनल में लगा दिया, 30 मार्क के MCQ पूछेंगे। तो यू शुड नो हाउ टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, इफ यू फेल टू रीड दैट यू कांट हैंडल MCQ। तो मैं कुछ MCQ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो IPC लेवल के थे, अगर आपने इन बिटवीन द लाइन पढ़ा हो तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे MCQ आपको कैसे मिलेंगे, दैट ऑल्सो आई विल शेयर एट द एंड ऑफ 5 MCQ। लेट अस सी फर्स्ट MCQ। ये MCQ मैंने डिजाइन किया है ATC को ध्यान में लेके, ठीक है? पढ़े तो आप जरा मेरे साथ। मिस्टर खन्ना वुड लाइक टू इंश्योर द लाइफ ऑफ वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यानी मिस्टर खन्ना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कोई फैमिली मेंबर के नाम पे। ही सीक्स योर एडवाइस कि मैं किसके नाम से पॉलिसी लूं सो दैट ही कैन क्लेम डिडक्शन अंडर विच सेक्शन 80C। तो खन्ना आपसे एडवाइस चाहते हैं कि मैं किसके नाम से लूं, डिपेंडेंट फादर के नाम से पॉलिसी लूं, डिपेंडेंट ब्रदर इन लॉ के नाम से पॉलिसी लूं, डिपेंडेंट सिस्टर के नाम से पॉलिसी लूं, या इंडिपेंडेंट सन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूं। याद रहे हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, मेडिक्लेम की नहीं, 80C। बोलो कौन सा आंसर सही रहेगा? क्या आप फ्रेंड की हेल्प लेना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन जी आपको बहुत परेशान करते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। चारों लग रहे हैं ना, किसी का दिल करता है सर डिपेंडेंट फादर सही आंसर है, किसी का दिमाग चल रहा है सर सिस्टर ठीक है। लेट अस सी 80C। मैंने 80C में से जो रिलेवेंट पोर्शन है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, 80C के अंदर क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन टू 80C, वो 80C का एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखा है, जरा ध्यान से पढ़े। किसके नाम से पॉलिसी लेनी है आपको याद है? 80C दो लोग क्लेम कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो 80C आप खोल के पढ़ेंगे डिटेल में, अगर आपने चार्ट पढ़े हैं तो गए काम से, समरी पढ़ी तो गए काम से, समरी मॉड्यूल से आपने तैयारी की तो गए काम से। अगर आपने डिटेल में 80C पढ़ा है तो उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है, और उसमें लिखा है अगर इंडिविजुअल 80C लेना चाहता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम से होनी चाहिए? इज ओन लाइफ, लाइफ ऑफ स्पाउस, और ध्यान से देखें एनी चाइल्ड, पेरेंट नहीं है इसके अंदर, ब्रदर सिस्टर नहीं है इसके अंदर, समझ में आया? और चाइल्ड है, लेकिन क्या लिखा है? एनी चाइल्ड, यानी एनी चाइल्ड मीन्स वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, कोई भी चाइल्ड है अगर उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो यू विल गेट व्हाट? 80C। और अगर आप HUF हैं तो पॉलिसी किसके नाम से लेनी है? कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली के नाम पे। लेकिन ऐसे MCQ आप तभी सॉल्व कर पाएंगे, रिपीटली बोल रहा हूँ, अगर आपने समरी मॉड्यूल पढ़े हैं, चार्ट पढ़े हैं तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डिटेल नोट पढ़ी है तभी जाके ऐसे MCQ सॉल्व कर पाएंगे। तो जरा मुझे बताए कौन सा आंसर सही निकलेगा? एनी चाइल्ड लिखा है, एनी चाइल्ड मीन्स वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज, अगर खन्ना जी डिडक्शन लेना चाहते हैं 80C का
तो उनको पॉलिसी लेनी पड़ेगी किसके नाम से, इंडिपेंडेंट सन के नाम से। पहला एमसीक्यू क्लियर। दूसरा एमसीक्यू, हमारे सैफ अली खान रेसिडेंट हैं, उनके सन तैमूर, तैमूर को बढ़ाने के लिए उनको ऐसा लगा कि हिंदुस्तान की कोई स्कूल ठीक नहीं लगी उनको, तो उन्होंने सोचा कि हम उसको लंदन भेजते हैं पढ़ाने के लिए, नमस्ते लंदन को लेकर ध्यान में रखते हुए। तो कुल फीस उन्होंने चुकाई, मान लो इंडियन करेंसी में 180,000, और तैमूर पढ़ने गए लंदन में, और उसमें से 60,000 रुपये उन्होंने डेवलपमेंट फी की तरफ जोड़े हैं, और वो ATC लेना चाहते हैं, तो कौन सी अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, नील 60,000, 120,000 या ATC की अपर लिमिट क्या है आपको मालूम है, 1.5 लाख। तो आपको ये मालूम है कि स्कूल फी बच्चों की है उसका डिडक्शन मिलता है ATC में, ठीक है। लेकिन वो ये भी आपको मालूम है कि स्कूल फीस मिलती है लेकिन डेवलपमेंट फी डोनेशन वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता है। लेट अस रीड द लॉ, ध्यान दें आप स्क्रीन पे। अब मैं ATC का रिलेवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूं। Any sum paid as tuition fees allowed, excluding development fee, यानी development fee का deduction नहीं मिलेगा। तो आपके दिमाग में चलता होगा सर 180 है उसमें से 60,000 development fee है तो deduction मिलेगा सिर्फ 1,20,000 का। गलत, ध्यान से पढ़े, तो ध्यान से पढ़े सेक्शन 80C। This fee is paid to whom? Any university, any college, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट ध्यान दे, दिस यूनिवर्सिटी, दिस कॉलेज, दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी वेयर इन इंडिया, तभी जाके आपको ATC मिलेगा। जबकि हमारे तैमूर कहां पढ़ने गए हैं, लंदन। तो अगर नमस्ते लंदन है तो हमें नमस्ते करना है, यानी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा सैफ अली खान को इस फी को लेकर। तो आंसर इज नील। रिपीटेडली बोल रहा हूं मैं, MCQ को नज़रअंदाज ना करें, ICI वहाँ आपकी सही टेस्टिंग करेगी, और जो MCQ में बहुत पुअर परफॉर्मेंस करेगा आई एम श्योर आगे उसकी हालत ख़राब होने वाली है। और MCQ सही ढंग से पढ़ने हैं तो समरी को आपको साइड में रखना होगा, 100 घंटे वाली कोचिंग को आपको डस्टबिन में डालना होगा, चार्ट है उसको भी डस्टबिन में डालना होगा, एटलीस्ट MCQ के लिए। हाँ, लास्ट टाइम रिविजन के लिए बात बराबर है, लेकिन MCQ की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। दो MCQ क्लियर। अब तीसरा MCQ, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज ऑन 80G। आपने पढ़ा था, उसमें चार प्रकार के डोनेशन थे। कुछ डोनेशन ऐसे थे आप दे देते हैं तो 100% रिडक्शन मिलता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं, जितनी भी अमाउंट आप देना चाहे वो दे सकते हैं। दूसरे कुछ डोनेशन थे, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो 50% डिडक्शन मिलता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से। थर्ड डिडक्शन और फोर्थ डिडक्शन थे 100% और 50% वाले, वहां जब आप कंट्रीब्यूशन देते तो कंट्रीब्यूशन पे एक रोक लगाई थी, क्वालिफाइंग लिमिट थी उसके ऊपर, और वो रोक थी नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है उसको फोकस करते हुए आपके सामने MCQ है, तो ध्यान से पढ़ें 80G। सब लोग मेरे साथ, वाइल कंप्यूटिंग एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर द पर्पज ऑफ 80G, फॉलोइंग शैल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन क्या है, हमें यह ढूंढना है विच शैल नॉट बी रिड्यूस, ठीक है। सब लोग मेरे साथ, तो जरा देखें, पूरा मैंने चार्ट रखा है एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है 80G को लेकर। तो पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम ढूंढनी है, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने हैं, क्या क्या माइनस करना है वो देख लेते हैं। उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करने हैं, लेकिन कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111 वाने वाला। उसमें से नॉन रेसिडेंट की कुछ इनकम है वो हम पढ़ेंगे फाइनल में, सेक्शन 115A वाली इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल सर्विस वाली इनकम, ऐसी इनकम हमें माइनस करनी है। फिर हमें सारे डिडक्शन माइनस करने हैं, ATC से
शुरू करके 80U तक, एक्सेप्ट 80G, और फिर आपके पास जो बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्ट टोटल इनकम। ध्यान से देखिए क्या क्या माइनस करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन से सेक्शन वाला याद है ना आपको, 112 IPC में पढ़ा था। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला। फिर नॉन रेसिडेंट की कुछ इनकम, कौन से सेक्शन वाली, 115A वाली, ठीक है। और सारे डिडक्शन अंडर 80C to 80U एक्सेप्ट व्हाट, 80G। अब मुझे बताओ तो क्वेश्चन क्या है, व्हाइल कंप्यूटिंग एडजस्टेड टोटल इनकम किसको हम माइनस नहीं करेंगे, किसको हम माइनस फॉलोइंग शैल नॉट बी रिड्यूस। नेगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो बोलो LTCG को माइनस नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस करेंगे, ट्रिपल बनने वाला जरूर करेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हाँ आप देखो तो जरा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कहीं भी नहीं है लिस्ट में, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी को हम माइनस नहीं करेंगे जब भी एडजस्ट टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे 80G के लिए। लेकिन IPC की फैकल्टी आपको क्या बताती है, विद रिस्पेक्ट ऑफ जिससे आपने पढ़ा होगा, चुटकी बजाते जाती है और आपको पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है मालूम है। देखो बच्चों, जब भी आप एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तो ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है, उसमें से स्पेशल रेट वाली सारी माइनस कर दो। क्या फैकल्टी बताती है, स्पेशल रेट वाली सारी माइनस कर दो। गलत, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी स्पेशल रेट वाली है लेकिन माइनस नहीं करनी है, आपके सामने लॉ पड़ा है। तो ध्यान रहे, करेक्ट आंसर इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी को एडजस्टेड टोटल इनकम 80G के लिए जब आप तैयार करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तब विनिंग फ्रॉम लॉटरी को माइनस नहीं करना है। आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट पार्ट, गलती ना करें। देखना एक और, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं आपको, सॉरी मेहुल जी बता रहे हैं आपको, 194C। आपको मालूम है 194C, जब भी आप पेमेंट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कैरिंग आउट वर्क, तो आप उससे कुछ काम ले रहे हैं और उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो हम TDS काटते हैं, कौन सी सेक्शन के अंतर्गत, 194C। और टैक्स रेट क्या रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला कौन है, कभी हम 1% TDS काटते हैं, कभी हम 2% TDS काटते हैं। अब ध्यान से देखें, 194C में वर्क की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन IPC में आपको पढ़ने ही नहीं दी, आपको चार्ट थमा दिया हाथ में, ये लिमिट है और ये TDS के रेट है और इसको TDS काटना है। जबकि IPC की आप मॉड्यूल खोल के देखें तो वर्क की डेफिनेशन उसके अंदर दी गई है, लेकिन फैकल्टी आपको पढ़ने ही नहीं देती है, वो आपको चुटकी बचाएगी, जल्दी जल्दी बच्चे को फाइनल में भेजो मेहुल सर के पास। तो वर्क की डेफिनेशन में क्या कवर नहीं होगा, यानी आप एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट कवर होगा कि नहीं होगा। मान लो आप किसी को एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो TDS काटेंगे कि नहीं काटेंगे। मान लो आप ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, TDS काटेंगे कि नहीं काटेंगे। आप कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मान लो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं थ्रू रेलवे, TDS काटेंगे कि नहीं काटेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है सर सब में TDS तो काटना ही चाहिए, लेकिन इस चार में से एक को वर्क में इंक्लूड नहीं किया है। जिसको इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब उसके ऊपर TDS काटने की आपकी जिम्मेदारी गई। तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हाँ डिटेल में समरी डस्टबिन में, चार्ट डस्टबिन में, MCQ सॉल्व करने के लिए वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। चलो वर्क की डेफिनेशन पढ़े, वर्क सेल इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, तो वर्क में वर्क इंक्लूड व्हाट, एडवर्टाइजिंग। फिर ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग, फिर ध्यान से पढ़ना कैरेज ऑफ गुड्स, फिर कैटरिंग। लेकिन कैरेज ऑफ गुड्स डिटेल में पढ़ो, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी आप गुड्स पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय बस, बाय एयर, बाय सी, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन लेकिन क्या लिखा है, अदर देन रेलवेज, यानी अगर गुड्स पैसेंजर आप रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं रेलवे को, रेलवे का TDS ना काटे। बड़ी मुश्किल से रेलवे का बजट मैच होता है, बड़ी मुश्किल से वो रेलवे चला रहे हैं, अगर आप उनका TDS काटेंगे, एक साल बाद रिफंड मिलेगा, थक जाएंगे बेचारे फाइनेंशियली। तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के लिखा था कि जब भी आप TDS काटें, सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के TDS जरूर काटे, लेकिन रेलवे का TDS ना काटे, क्योंकि वर्क के अंदर उन्होंने लिखा है अदर देन रेलवेज। तो बोलो आंसर क्या होगा, कैरेज ऑफ गुड्स बाय रेलवे वो वर्क की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए आपको उसका TDS नहीं काटना है। लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ने दिया जाए, ठीक है।
तो टीडीएस को लेकर तो मेरी आपसे वार्निंग है, काफी लोग फाइनल में भी चार्ट से ही पढ़ते हैं, तो आप एपी एमसीक्यू टीडीएस का हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा लेते हैं छोटा सा एमसीक्यू, लास्ट वाला, कमीशन और ब्रोकरेज। 194H में टीडीएस कटता है, उसमें कौन सी कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं होगी, इसका मतलब किसके ऊपर आपको टीडीएस नहीं काटना है। ए, ब्रोकरेज पेड टू रियल एस्टेट एजेंट। बी, कमीशन पेड टू कंसाइनी। सी, ब्रोकरेज पेड टू परचेज एजेंट। एंड डी, ब्रोकरेज पेड टू शेयर ब्रोकर। कौन सी ब्रोकरेज को लेकर आपको टीडीएस नहीं काटना है, अगर इसका जवाब आपको देना है तो किसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। अब समझ में आ गया किसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। वेरी गुड, कमीशन और ब्रोकरेज कहाँ डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेनेशन वन। तो मेरे मॉड्यूल में इस तरह आपको मॉड्यूल मिलेंगे, जो आपको चार वॉल्यूम है वो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ मैंने अच्छी ढंग से एक्ट और उसके एमसीक्यू कवर किए हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कमीशन और ब्रोकरेज की। डेफिनेशन वो लिखते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, व्हाई यू आर रिसीविंग, रिसीव्ड बाय हुम, बाय अ पर्सन। व्हाई यू आर रिसीविंग, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। तो जब भी आपको ब्रोकरेज और कमीशन मिलेगी, इसका मतलब आप किसी के एजेंट हुए, यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और उसके लिए आपको क्या मिली, कमीशन या ब्रोकरेज। क्यों कमीशन दी गई, बिकॉज ही हैड रेंडर्ड सर्विसेज। और वो लिखते हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट। एनी एसेट यानी मान लो आपने कोई मकान खरीदा और ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया, तो इट इज ऑल्सो कवर्ड। एनी एसेट ऑल्सो इंक्लूड बिल्डिंग। और एनी वैल्यूएबल आर्टिकल, आपका नाम लिख दिया, देखो आप वैल्यूएबल है ना, आप किस ऑफिस के लिए, आर यू नॉट ए वैल्यूएबल आर्टिकल। तो वैल्यूएबल आर्टिकल मान लो कोई, नहीं आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मैरिलिन मनरो का ड्रेस का ऑक्शन हुआ, तो जिसने ऑक्शन करवाया होगा उसको क्या मिलेगी, कमीशन, दैट इज अ वैल्यूएबल आर्टिकल। लेकिन ध्यान से पढ़े क्या लिखा है, नॉट बीइंग सिक्योरिटीज, नॉट बीइंग सिक्योरिटीज यानी सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है। कोई भी एसेट का कमीशन, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग का कमीशन, उसके ऊपर 194H का टीडीएस जरूर कटेगा, लेकिन किसको एक्सक्लूड किया, नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। तो बोलो आंसर क्या बनेगा, एबीसीडी में से, रियल एस्टेट एजेंट वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग में आएगा, कंसाइनी इट इज नथिंग बट गुड्स, परचेज एजेंट नथिंग बट गुड्स, किसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, ब्रोकरेज पेड टू शेयर ब्रोकर। तो अब आप जब भी ऑडिट में जाएं जरूर ध्यान दें, जिस क्लाइंट ने ट्रेडिंग के ऑडिट आपने बहुत किए होंगे, ट्रेडिंग इन शेयर्स वाले, आजकल बहुत लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऑडिट में आप देखेंगे तो उस क्लाइंट ने कभी भी ब्रोकर का टीडीएस नहीं काटा होगा, बिकॉज ही इज पेइंग कमीशन फॉर सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज को 194H में एक्सक्लूड किया गया है, हटा दिया गया है। आई थिंक क्लियर ऑन दिस पार्ट। अब जरूर एक सवाल उठा आपके दिमाग में, सर ऐसे एमसीक्यू आपने बताया, बहुत मज़ा आया, बहुत क्लैरिटी आई, लेकिन सर हमें एमसीक्यू कैसे मिलेंगे। तो आपको उसकी मोबाइल ऐप मिलेगी, उसकी अनाउंसमेंट अप्रोप्रिएट टाइम पे की जाएगी, जिस तरह आपको ये डायरेटेक्स या फाइनल कोर्स पैक की अनाउंसमेंट की जा रही है, उसी तरह आपको मोबाइल ऐप की भी अनाउंसमेंट मिलेगी, उसके अंदर आपको एमसीक्यू मिलेंगे। आज तक अभी तक मैंने जो ड्राफ्ट किए हैं करीबन 1800 एमसीक्यू में लिख चुका हूँ, 1800, और मेरा टारगेट है करीबन 2500 से 3000 तक जाने का। तो आई एम अबाउट टू कंप्लीट दोस एमसीक्यू, तो तैयार होने से आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी। तो आई थिंक एकदम क्लैरिटी आ गई आपको कि कोर्स पैक में क्या मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। Thank you.